world renowned tarot card reader, spiritual healer Dr. Lavina Gupta. 18 वर्षों से हीलिंग के माध्यम से हजारों लोगों को ठीक करने का और उनके जीवन को सही दिशा देने का काम कर रही हैं। लवीना जी सोल सर्चर रिसर्च ट्रेनिंग एंड हीलिंग फाउंडेशन की संस्थापक हैं। वो समय समय पर टैरो कार्ड्स, रेकी, बुद्धा हीलिंग और इसी प्रकार की अनेक वर्कशॉप आयोजित करती हैं। ये वर्कशॉप अटेंड करके आप भी हीलिंग मास्टर बन सकते हैं, जैसे कि आप स्वयं को और अपने आसपास रह रहे लोगों को हील कर सकते हैं। ओम बुद्ध एवरीवन, दिस इज मी डॉक्टर लवीना गुप्ता फ्रॉम द सोल सर्चर फाउंडेशन और आज आपका फिर से स्वागत है हीलिंग बुद्धा में। तो हमारे पास बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, बहुत सारे लोग परेशान हैं नज़र को लेके। कुछ कहते हैं नज़र दोष है, कुछ जेलसी है, किया कराया है। तो इसी के बारे में मैं आपको और बताना चाहूँगी कि हम इन सब चीज़ों से कैसे निजात पा सकते हैं, कैसे छुटकारा पा सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, मैं आपको कुछ कॉमन रेमेडी बता रही हूँ जो कि नज़र दोष, जेलसी, नेगेटिविटी, क्योंकि हर जगह नेगेटिव एनर्जी जो मैंने अभी तक देखा है, लोग बहुत परेशान हैं अपनी नेगेटिविटी से, वो अंधकार से, उस नेगेटिव एनर्जी से। उसको हम कैसे क्लियर कर सकते हैं? एक मैं आपको वर्सेटाइल रेमेडी बता रही हूँ सॉल्ट की, जो सबसे पहले हर जगह स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में यूज़ किया जाता है। उसको हम किस किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं? तो सबसे पहले आपने कौन सा वाला नमक यूज़ करना है? बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं, बहुत सारे क्लाइंट्स पूछते हैं कि मैम हम कोई भी नमक ले सकते हैं? नहीं, आपने कोई भी नमक नहीं लेना। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रॉक सॉल्ट। रॉक सॉल्ट लें, यानी कि जो व्रत वाला नमक होता है, जो लोहरी नमक होता है, वो वाला हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में नमक यूज़ करते हैं। या फिर जो डली वाला नमक होता है, जो आयोडीन वाला नमक है, वो वाला हम यूज़ नहीं करेंगे। तो या तो हम रॉक सॉल्ट या फिर जो डली वाला नमक होता है, लोहरी नमक, वो वाला नमक यूज़ करेंगे। उसको आप चार्ज करेंगे सबसे पहले ओम बुद्धा की चैंटिंग से। उसको चार्ज करेंगे पहले सबसे पहले और आप किस पर्पस के लिए यूज़ करना चाहते हैं वो बताएंगे। सबसे पहले आपका इंटेंशन बहुत ज़रूरी है। कोई भी चीज़ वर्क करने के लिए आप जैसा सोच रहे हैं, जैसा इंटेंट रखेंगे, इंटेंशन रखेंगे कि मैं अपने घर की नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालना चाहता हूँ या चाहती हूँ, या जो भी हमारे अंदर जो भी हमें हमारे घर में नज़र दोष किया कराया है, नेगेटिविटी है, जेलेसी है, वो सब निकल रही है। तो सॉल्ट की सबसे पहले मैं आपको रेमेडी बताना चाहूँगी जो कि बहुत कॉमन है, वर्सेटाइल है, सॉल्ट मॉपिंग। सॉल्ट मॉपिंग यानी कि नमक के पोछे, सॉल्ट मॉपिंग। जब भी घर के अंदर क्लीनिंग होती है तो एक दो चम्मच उसको आप चार्ज करके यूज़ करेंगे। अगर आप चार्ज करना आपको नहीं पता प्रोसेस कैसे करना है, तो आप हमारे सेंटर से भी करवा सकते हैं, हम आपको चार्ज करके दे देंगे। अदरवाइज़ जैसे मैंने आपको बताया, ओम बुद्धा की चैंटिंग और साथ में आपको इंटेंशन रखना है प्योर कि मेरे घर से जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है, जो भी काम अगर आपका नहीं बन रहा, इसका मतलब वहाँ पर नकारात्मक ऊर्जा है, नेगेटिव एनर्जी है, तभी नहीं बन रहा, ठीक है। तो सबसे पहले ये प्रोसेस है स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का, हम सबसे पहले नेगेटिव एनर्जी निकालते हैं, फिर उसके बाद पॉजिटिव एनर्जी का आगमन होता है। क्योंकि अगर एक ग्लास है काले पानी से भरा हुआ है तो क्या होगा, फ्रेश वाटर उसमें डालेंगे तो वो ओवरफ्लो कर जाएगा, बाहर निकल जाएगा। और जब हम उसके अंदर उसको साफ कर देंगे, सारा काला पानी उसका निकाल देंगे, उसको साफ कर देंगे, तो उसमें फ्रेश वाटर रहेगा। तो सेम हमारी बॉडी है, सेम हमारा हमारे फैमिली मेम्बर्स की बॉडी है, कोई भी स्पेस है, हाउस है, ऑफिस है, फैक्ट्री है, तो सबसे पहले तो हम वहाँ की नकारात्मक ऊर्जा निकालेंगे, जिससे कि वहाँ पर स्पेस बने, जगह बने पॉजिटिव एनर्जी डालने के लिए। तो जब तक हम ये नहीं करेंगे, हमारी कोई भी प्रैक्टिस हम कर रहे हैं, सब कुछ व्यर्थ जाएगी, सब कुछ बेकार जाएगी। तो सबसे फर्स्ट स्टेप यही है। तो हम सबसे पहले सॉल्ट मॉपिंग करेंगे, यानी कि सेंधा नमक के पोछे लगवाएंगे। सेंधा नमक के भी पोछे आपने रेगुलर नहीं करने, क्योंकि उससे एनर्जी निकलती है, ठीक है। तो अगर पॉजिटिव एनर्जी होगी तो वो भी निकल जाएगी। तो आपने हफ्ते में 3 बार, थ्राइस अ वीक, सेंधा नमक के पोछे लगवाने, यानी कि सॉल्ट मॉपिंग करना है। बाकी पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि उसको कितनी प्रॉब्लम है, उसके अकॉर्डिंग हम सजेस्ट भी करते हैं उनको कि आप रेगुलर लगवाएं पोछे, लेकिन आपने खुद डॉक्टर नहीं बनना, ठीक है।
आप एक वर्सेटाइल रेमेडी है, हफ्ते में 3 बार सेंधा नमक के पोछे कोई भी लगवा सकता है, तो ये करिए जिससे कि नेगेटिव एनर्जी निकले। कम से कम इसको 2 महीने करिए और फिर बताइए कि क्या रिजल्ट आ रहा है। सेकेंड रेमेडी है कि हम सॉल्ट से नहा भी सकते हैं। जब हम बेदिंग कर रहे हैं, जब हम स्नान लेते हैं एट द टाइम ऑफ, हम उस टाइम पे थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे बकेट के अंदर, 1-2 चम्मच सेंधा नमक ही यूज़ करेंगे हर रिचुअल में और फिर उससे नहा लेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम बाल खराब हो जाएंगे, स्किन खराब हो जाएगी या हो जाती है, तो आपने बस वो लेना है, उसके बाद जैसे आप सोप से नहाते हैं वहाँ से नहा लीजिए, कोई इशू नहीं है। सिर से नहीं डालना तो कोई बात नहीं है, बॉडी पर डाल लीजिए, बट ये करना ज़रूरी है। ये सेकेंड रेमेडी बता रही हूँ मैं आपको। उसके साथ थर्ड रेमेडी मैं आपको बता रही हूँ। अब जैसे कि आपने देखा है, हमारी मदर्स या फिर दादी नानी हमारी नज़र उतारती हैं, हर रिलीजन में बोलते हैं नज़र लग जाती है, बाहर जा रहे हैं या दिवाली पे या कोई भी हम रिचुअल करते हैं, हमेशा ऐसे नज़र उतारते हैं। तो जो ये हमारी जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस होती हैं, पहले के टाइम पे क्या होता था, एक दीपक दिया धूप अगरबत्ती लेते थे और कोई भी आता था उसके अपने घर में तो ऐसे करके उसकी आरती उतारते थे। तो हम क्या कर रहे हैं, अननोइंगली हम उनका ऑरा ही तो क्लीन कर रहे हैं, हम उनकी नज़र ही तो उतार रहे हैं। ये जो सारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस है ना, ये सारी बहुत पुरानी हैं, बट नए फैंसी नेम्स दे दिया, लेकिन सब कुछ हमारे कल्चर से ही ओरिजिनेटेड है। तो हम नमक से भी ऑरा क्लीनिंग करेंगे, नज़र उतारना मतलब ऑरा क्लीनिंग करना। तो हम सबसे पहले नमक लेंगे मुट्ठी में उल्टे हाथ में और एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज कैसे जाएंगे, क्लॉकवाइज तो हम जाते हैं जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, एंटी क्लॉकवाइज हम जाएंगे 12, 11, 10, 9, 8, ऐसे उल्टा। कोई भी चीज़ आप जब राइट करेंगे तो पॉजिटिव एनर्जी इन्फ्यूज़ करते हैं, और जब आप उल्टा चलाते हैं उसको हाथ, तो हम नेगेटिव एनर्जी निकाल रहे हैं वहाँ की। तो अपनी बॉडी से भी ऐसे एंटी क्लॉकवाइज हाथ घुमाएंगे, चाहे अपने लिए कर रहे हैं चाहे किसी और के लिए। तो इसको कम से कम 11 बार करेंगे, 11 बार ऐसे एंटी क्लॉकवाइज हाथ घुमाएंगे और साथ साथ चैंटिंग करेंगे ओम बुद्धा ओम बुद्धा ओम बुद्धा ओम बुद्धा, और एंड से इंटेंशन रखेंगे कि हम उनकी नज़र उतार रहे हैं या नेगेटिविटी निकाल रहे हैं, उनको ऑरा क्लीन कर रहे हैं, कुछ भी आप बोल सकते हैं, बात एक ही है। तो आप ऐसे बोलते हुए और उस जो नमक है आपके हाथ में उसमें नेगेटिविटी आ जाती है, उसको आप क्या करेंगे, उसको आप फ्लश कर देंगे, वो नेगेटिविटी फ्लश हो गई और उसको पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। ये आप कर सकते हैं। जो आप क्रिस्टल्स ले रहे हैं, क्रिस्टल्स जो आप बाय कर रहे हैं सोल सर्चर से, जब बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज होती हैं तो हम उसको बोलते हैं कि आप ना नमक में रखिए। नमक में रखिए का क्या मतलब है, जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो उस नमक में आ जाए। जब प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होती हैं तो वो नमक ना पानी छोड़ने लग जाता है, तो इसका मतलब है वो नेगेटिव एनर्जीज बहुत ज़्यादा हैं और फिर उसको चेंज कर दीजिए। हम अपने हर रूम में भी नमक रख सकते हैं, जहाँ पर प्रॉब्लम ज़्यादा है, एक बाउल के अंदर, बाउल होना चाहिए या तो कांच का या प्लास्टिक का या सेरामिक या चीनी मिट्टी का, कोई भी मेटल आपने यूज़ नहीं करना। ये रिलीज़ करिए आप और ये यूज़ करिए, इसमें थोड़ा सा नमक डाल के रख दीजिए हर रूम में, ठीक है। बस कोई बच्चा बच्चा ना छेड़े उसको, अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई आपके घर में छोटे बच्चे हैं जो कि वो छेड़ सकते हैं, तो आप उनको छुपा के रखिए नमक को, बट रखना ज़मीन पे। टॉयलेट्स में रख सकते हैं, टॉयलेट में सबसे ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी होती है, कॉर्नर्स में से सबसे ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी निकलती है, वहाँ पर हर रूम में रख दीजिए कॉर्नर्स में। सॉल्ट को आप कहीं पर भी जाते हैं, सपोजिंग कोई आपका रुका हुआ काम है, सपोजिंग कोई कोर्ट केस है, कोई इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, किसी सर्जरी के लिए जा रहे हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट काम के लिए जा रहे हैं, मीटिंग के लिए जा रहे हैं, तो सॉल्ट को अपनी पॉकेट में भी आप कैरी कर सकते हैं। उससे आपकी, जिससे भी आप मिल रहे हैं, अगर कुछ भी नेगेटिव एनर्जी आपके बीच में रिलेशनशिप को लेके या कोई भी प्रॉब्लम है, तो वो भी रिलीज़ होगी। आप कहीं पर बैठ के काम करते हैं ऑफिस में, वहाँ पर भी थोड़ा सा सॉल्ट रखें अपने पास, या थोड़ा सा नीचे सॉल्ट डाल दें। जो भी आपको चीज़ें बताई जा रही हैं वो आपको सोल सर्चर में अवेलेबल हैं, हर चीज़ आपको मिल जाएगी सोल सर्चर में। चार्ज्ड आपको सॉल्ट मिलेगा, जिससे कि आपको रखते ही उससे रिज़ल्ट आना शुरू हो जाएगा। हमसे कांटेक्ट करने के लिए आप गिवन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी प्रोडक्ट आप मंगवाना चाहते हैं, कोई आपका सवाल है, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही, पर्सनलाइज सेशन लेना चाहते हैं, आप गिवन नंबर्स पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नज़र दोष के उपाय के लिए सोल सर्चर फाउंडेशन से आप क्रिस्टल और बुद्धा बेल ले सकते हैं। इसके अलावा नज़र दोष से बचने के लिए आप अपने घर पर भी प्रोडक्ट्स तैयार कर सकते हैं। सेंधा नमक की फोटो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9953005749 पर भेजकर उसे चार्ज करा सकते हैं।
इसी के साथ नजर दोष से बचने के लिए और घर में पॉजिटिविटी के लिए आप हवन सामग्री तैयार कर सकते हैं। हवन सामग्री बनाने के लिए 100-100 ग्राम गूगल, कपूर, लोबान, अष्टगंध, लौंग, अजवाइन और पीली सरसों को ग्राइंड करके और मिक्स करके उसकी फोटो हमें भेजकर उसे हमारे सेंटर से चार्ज करा सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। सोल सर्चर फाउंडेशन में नजर दोष के लिए एक वॉयलेट फ्लेम कोर्स भी कराया जाता है, तो आप उस कोर्स को करके भी नजर दोष से खुद को बचा सकते हैं और अपने आसपास के लोगों को भी बचा सकते हैं। बहुत सारे कॉलर्स जुड़ रहे हैं, तो अब हम कॉलर ले लेते हैं। पहले ओम बुधा, बताइए अपना नाम। मैम, मेरा नाम रितिका है और मैं लखनऊ से बात कर रही हूँ। मैम, मेरे साथ कुछ टाइम से ऐसा हो रहा है कि घर में लोहे की चीज़ें मिल जाती हैं, कोई घर के बाद दिया जला के चला जाता है, और कभी कभी तो कीलें भी मिल जाती हैं। जो चीज़ें कभी हमने रखी नहीं वो चीज़ें मिल जाती हैं, तो मैं जानना चाहती हूँ ये क्यों हो रहा है। कब से हो रही है आपके साथ ये प्रॉब्लम? मैम, हम जब से नए घर में शिफ्ट हुए हैं, पिछले 6 महीने पहले हम नए घर में शिफ्ट हुए थे, तो तब से ये, उसके 1 महीने बाद से ये चीज़ें होनी शुरू हो गई थी, लेकिन अब 2-3 महीने से कुछ बहुत ज़्यादा हो रही हैं। तो आपको अपने घर में कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जी कोई फील होती है, कोई स्मेल आती है, कोई शेडो दिखती है या कुछ ऐसा कुछ होता है? नहीं होता है। नहीं, शेडो जैसी तो कुछ दिखती नहीं है। ऐसा कभी नहीं? स्मेल आती है कभी कभी, तो हमें लगता है कि शायद ऐसे घर में कुछ हो गया होगा, उसकी स्मेल आ रही है, और शेडो भी अगर दिखती हो तो ध्यान नहीं दिया कभी। तो देखिए, आपका ना इसके अंदर कुछ नज़र दोष किया कराया, या जैसे जैसे मैंने आपको बताया शो के स्टार्टिंग में, जैसे कि पॉजिटिव एनर्जी होती है वैसी नेगेटिव एनर्जी भी होती है, तो आप ये भी चेक कर सकते हैं। क्योंकि जब घर बहुत टाइम के लिए बंद रहता है, जैसे आप कह रहे हैं अभी शिफ्ट हुआ है घर, तो वहाँ पर कुछ नेगेटिव एनर्जीज जैसे जाले होते हैं, कॉबवेब्स होते हैं, तो कुछ नेगेटिव एनर्जी अपने आप डेवलप हो जाती है, तो उसको क्लियर कराने की आपको ज़रूरत है। उसके लिए हवन सामग्री आप बर्न करें, उसकी स्पेशल हवन सामग्री होती है जो कि आपको सोल सर्चर में मिल जाएगी, और वो अभिमंत्रित होती है, चार्ज्ड होती है, और आपको प्रोसेस पूरा बता दिया जाएगा, क्योंकि आपको पहले उस नेगेटिव एनर्जी को क्लियर करना होगा। अभी आपको इस शो में मैंने आपको कुछ सॉल्ट रेमेडीज़ बताई हैं, आप वो करने स्टार्ट करिए, फिर उसके साथ साथ आप वो हवन सामग्री सुबह शाम घर में बर्न करें। जैसे कि हम अपने घर में हवन करते हैं, पंडित जी को बुला के हवन करते हैं पॉजिटिव एनर्जी को जनरेट करने के लिए, वैसे ही हम खुद भी रोज़ अपने घर में हवन कर सकते हैं। बहुत बड़ा प्रोसेस नहीं है, बस थोड़ी सी वो सामग्री जलानी है आपको और पूरे घर में एंटी क्लॉकवाइज घुमा देनी है। एंटी क्लॉकवाइज क्यों घुमानी है? एंट्रेंस से, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, वो आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा को निकाल देगा। और सारी जगह आप एक बेल बजा दीजिए, जैसे बुद्धा जी की बेल होती है, ये भी आपको हमारे पास मिल जाएगी। ये किस लिए होती है? ये पॉजिटिव एनर्जी को जनरेट करने के लिए। ये जो साउंड है जिसे आप मंदिर में भी देखते हैं, घंटी आप बजाते हैं, तो ऐसे ये सारी ये जो साउंड है अपने हर रूम में बजाइए। इससे पॉजिटिव एनर्जी का आगमन होगा, अगर कुछ है भी तो वो भी निकल जाएगा, क्योंकि जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है वो पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रह ही नहीं सकती, एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। तो उस एनर्जी को आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, बिल्कुल सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो उस एनर्जी को जनरेट करिए और अपना ऑर्डर आप प्लेस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। ओम बुद्धा। ओम बुद्धा मैम, मैं राखी मुंबई से। हाँ जी, सवाल पूछिए। पहले मेरे और मेरे हस्बैंड का रिलेशन काफ़ी अच्छा था, लेकिन कुछ दिनों से वो मेरी तरफ देखते ही नहीं है। हाँ जी, इसका क्या रीज़न है? पहले आपका, जैसे कि मैं भी देख पा रही हूँ, आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा था, बहुत प्रॉस्पेरस था, और आपको एक हैप्पी कपल का भी नाम दिया जाता था कि आपसे ज़्यादा सुखी तो कोई भी नहीं है, आप बहुत खुश रहते हैं एक साथ। क्या ऐसा था? सब लोग बोलते थे ऐसा आपको? जी मैम। हाँ जी, तो बहुत बार क्या होता है कि किसी की टोक लग जानी, जैसे बोलते हैं बड़े लोग भी, टोक लग जाती है किसी की, या नज़र लग जाती है, या जिन लोगों का रिलेशनशिप बहुत हेल्दी नहीं है तो वो नेगेटिविटी बार बार नेगेटिव बोलते हैं, या जेलसी रखते हैं, कुछ ना कुछ नेगेटिव एनर्जी दिख रही है आपके रिलेशनशिप में। और प्रेजेंट में आपका कार्ड आ रहा है स्ट्रेस का, कि आप अपनी साइड से बहुत एफर्ट कर रहे हैं चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए, कि चीज़ें इम्प्रूव हो जाएँ, लेकिन फिर भी इम्प्रूव नहीं हो पा रही, तो ऐसा है, आप मुझे बताइए। जी मैम, ऐसा ही है।
ओके, आपको ध्यान रखना है, बिवेयर रहना है कोई भी थर्ड पार्टी सिचुएशन से, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई तीसरा पर्सन है जो कि आप दोनों के बीच में आया हुआ है और आपका ध्यान, आपके हस्बैंड का ध्यान उधर भी डाइवर्टेड है। तो उन चीज़ों से बचने के लिए जो आपको इस शो में आपको रेमेडीज़ बताई हैं, पहले तो आप वो करना स्टार्ट करिए। साथ में अपने हस्बैंड के पिल्लों के नीचे आप एक चम्मच रोस्टेड जीरा रख सकते हैं। ये हर्ब्स होती हैं, बुद्धा सीक्रेट हर्ब्स होती हैं। जब वो आप रखेंगे विद द इंटेंशन कि आपके हस्बैंड का आपके साथ फिर से एक लविंग रिलेशनशिप हो गया है और आप फिर से एक हो गए हैं जैसे आपका रिलेशनशिप था पहले, इंटेंशन बहुत मैटर रखती है। आप कोई चीज़ रखते हैं उसके साथ साथ आपने इंटेंशन रखेंगे तो आपका और जल्दी काम होगा। तो आप ये करिए और साथ साथ आप कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, वॉयलेट फ्लेम हीलिंग कोर्स, जो कि हर उस जगह की नकारात्मक ऊर्जा को निकाल देगा। आप अपने हस्बैंड के ऊपर भी वॉयलेट फ्लेम हीलिंग कर सकते हैं। जैसे नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हुआ है आपके रिलेशनशिप में, तो उसको हटाने के लिए हम सकारात्मक ऊर्जा डालेंगे। तो एक वॉयलेट फायर होता है, एक फायर होता है जो कि वॉयलेट कलर का होता है, जैसे कि आग जलती है। और उसके कीपर हैं, पहले उसके कीपर थे लॉर्ड बुद्धा और अब उसके कीपर हैं सेंट जर्मेन। तो वो यूनिवर्स में होता है, ब्रह्मांड में होता है, उसको कैसे कॉल करना है वो आपको सिखाया जाएगा, जिससे कि आपके बीच में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है, नेगेटिव एनर्जी है, वो रिलीज हो जाएगी और आप दोनों का रिलेशनशिप फिर से पहले जैसा हो जाएगा। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हम नहीं कर सकते। हमें अपनी एनर्जी को बिल्ड करना है, अपने चक्रास को एक्टिवेट करना है, अपने ऑरा को बिल्ड करना है, और जैसा हम चाहें हम कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा कहते हैं कि मैम फिर तो हम भगवान हो गए, फिर तो इसका मतलब हम कुछ भी कर सकते हैं, तो फिर भगवान की क्या ज़रूरत है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे अंदर भी भगवान है, हमारे अंदर भी आत्मा है। तो अगर हमने उनको जगा लिया, अपने अंदर के भगवान को, अपनी अंदर की आत्मा को एक्टिवेट कर लिया, तो भगवान तो आप हो ही जाएंगे, बट साथ साथ सबसे पहले आप अपनी प्रॉब्लम्स को हील कर पाएंगे। तो आप अपने साथ टैप करिए। ऐसे पूजा पाठ का कोई फ़ायदा नहीं है। जो स्टूडेंट्स कहते हैं, लोग कहते हैं कि मैम हम पूजा तो कर रहे हैं, पाठ तो कर रहे हैं, चालीसा तो कर रहे हैं, लेकिन ध्यान इधर उधर जाता है, मन इधर उधर भटकता है, तो वो तो लगी नहीं आपके पूजा। लेकिन जब आप खुद से कनेक्ट होंगे और उन चीज़ों को हील करेंगे, तो भगवान ने भी बहुत सारी जगह लिखा हुआ है एज़ पर योर विश। आपके स्क्रिप्ट में, हायर सेल्फ में ये भी लिखा है, बहुत सारी चीज़ें आप खुद भी ऑल्टर कर सकते हैं एज़ पर योर विश। तो आप करिए तो सही, एफर्ट तो डालिए, अपना कर्म तो काटिए। ये सारे जो कोर्सेज होते हैं, स्पिरिचुअल कोर्सेज होते हैं, आपकी कर्मा हीलिंग होती है, आपके कर्म कटते हैं, और जब आप खुद से करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। इसको करिए, ज्वाइन करिए ओम बुद्धा। नज़र दोष के लिए जो भी आपको चीज़ें बताई गई हैं, हवन सामग्री, सॉल्ट और जो भी चीज़ें हैं, आपको सब हमारे सेंटर में अवेलेबल है, सब मिल जाएगा। आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आपको यहीं पर मिल जाएगा। वो चार्ज्ड हैं, अभिमंत्रित हैं, सिद्ध हैं और स्पेशली इसी प्रॉब्लम के लिए डिज़ाइंड है। और जब आप अपना ऑर्डर प्लेस करेंगे तो उसको स्पेशली आपके नाम के साथ, आपकी प्रॉब्लम क्या है उसके साथ चार्ज किया जाएगा और फिर आपको वो कोरियर करवाया जाएगा। तो वो पूरा प्रोसेस हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे कि वो किस तरीके से काम करता है। उसके लिए आपको सिर्फ गिवन नंबर्स पे कॉन्टैक्ट करना है, संपर्क करना है, और हमारी टीम आपसे कोऑर्डिनेट करेगी और आपको अपनी प्रॉब्लम्स का निजात मिलेगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगी वॉयलेट फ्लेम हीलिंग कोर्स के बारे में। जैसे कि हम नज़र, ब्लैक मैजिक, किया कराया, नेगेटिविटी, जेलेसी, इन सब के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम जो टिप्स बताई गई हैं, हवन सामग्री, सॉल्ट, या फिर मैंने आपको बाउल का भी बताया कि बाउल से भी आप पॉजिटिव एनर्जी जनरेट कर सकते हैं इसको बजा के हर रूम में, तो साथ में आप उसके साथ आप वॉयलेट फ्लेम हीलिंग कोर्स भी कर सकते हैं। वॉयलेट फ्लेम जैसे कि एक आग जलती है वॉयलेट कलर की, आप छोटे छोटे टिप्स आप घर पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये कोर्स आप अट्यूनमेंट भी ले सकते हैं। इस कोर्स का अट्यूनमेंट क्या होता है? शक्तिपात। जैसे कि पहले के ज़माने में, पहले टाइम में ऋषि मुनि दीक्षा देते थे अपने शिष्य को, सेम आज भी वो प्रथा चलती है। उसको हम इंग्लिश नेम उसका दे दिया है अट्यूनमेंट, हिंदी में उसको शक्तिपात ही बोला जाता है। तो उसमें क्या करा जाता है, जो स्टूडेंट के चक्रास को ओपन किया जाता है जिससे कि वो एनर्जी डीप आपकी बॉडी में पहुंच सके। और ये कोर्स हमारे फाउंडेशन में तीन तरीके से आप कर सकते हो, या तो ऑफलाइन आप हमारे सेंटर में आके कर सकते हैं, ऑनलाइन आप कहीं पर भी बैठे हैं आप वहाँ कर सकते हैं। उसका एक पर्टिकुलर टाइम होता है फिक्स, और
व्हाट्सएप कोर्स। व्हाट्सएप कोर्स क्या होता है, डेली उसकी आपको वीडियो ऑडियो मिलेगी, मेडिटेशंस मिलेंगी और वो आपको डे बाय डे करना है। तो उसमें आप टाइम बाउंड नहीं है, जब भी आपके पास टाइम है आप उसको कर सकते हैं। तो ये नेगेटिव एनर्जी को आपके रिलीज़ करता है। वॉयलेट एक फायर होता है, जैसे कि अग्नि जल रही है, नेगेटिविटी वो जल रही है, वो वॉयलेट कलर का है। उसके साथ साथ आप इमेजिन करेंगे, आप घर पर भी इसको कर सकते हैं, आपको फ़ायदा होगा। बोलेंगे आई एम द बींग ऑफ वॉयलेट फायर, आई एम द प्योरिटी गॉड डिज़ायर, आई एम द बींग ऑफ वॉयलेट फायर, अपना नाम बोलेंगे आई एम द प्योरिटी गॉड डिज़ायर, आई एम द बींग ऑफ वॉयलेट फायर, आई एम द प्योरिटी गॉड डिज़ायर। ये आप बोलेंगे रोज़ सुबह और शाम, आप घर पे भी करेंगे, आप अपने आप देखेंगे 7 days में नेगेटिव एनर्जीज अपने आप कम होने लग जाएंगी और धीरे धीरे कंप्लीट हील वो जब होंगी, जब आप उसका अट्यूनमेंट लेंगे, शक्तिपात लेंगे और सोल सर्चर के साथ कनेक्ट रहेंगे, जिससे कि हम हर लेवल पे आपकी हेल्प कर सकें। थैंक यू सो मच। ओम बुद्धा। सोल सर्चर फाउंडेशन में एंजल कार्ड्स के ऑनलाइन, ऑफलाइन और व्हाट्सएप कोर्स कराए जाते हैं। आप अपने घर में भी एंजल्स की प्रेयर कर सकते हैं। उसके लिए बस आपको अपने पास एंजल्स और उनसे जुड़ी कैंडल्स रखकर प्रेयर करनी होगी। एंजल्स को मंगवाने और कोर्स से जुड़ी जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9953005749। अपनी समस्याओं के समाधान के लिए आप लवीना जी को कॉल कर सकते हैं या फिर उन्हें उनके व्हाट्सएप नंबर 9953005749 पर मैसेज भी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें उनकी वेबसाइट www.reikisadhana.com। लवीना जी द्वारा दी गई टिप्स और समाधान को जानने के लिए सब्सक्राइब करें उनका यूट्यूब चैनल डॉक्टर लवीना गुप्ता। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।